जहरीली शराब कारोबार में लिप्त गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध तीन अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन पर 15,000 रुपए का इनाम था। पकड़े गए अभियुक्तों पर थाने में कई मामले पंजीकृत हैं। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के निर्देश पर चलाए गए अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दक्षिण के पर्यवेक्षण में थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस ने तीन इनामी अभियुक्तों को इमलिया सुल्तानपुर के डल्लूपुर मार्ग के तिराहे के पास दबोचा है। पकड़े गए अभियुक्तों ने अपना नाम रन्नू पुत्र लालजी, कल्लू पुत्र छोटू व चिरंजीव पुत्र सक्टू निवासी जगना बताया है। पुलिस के मुताबिक ये अभियुक्त शातिर अपराधी हैं, जो अपने आर्थिक एवं बौद्धिक लाभ को अवैध शराब बनाकर बेचते हैं। करीब 2 माह से वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। अभियुक्तों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्ती कर की कार्यवाही की जाएगी। गिरफ्तारी टीम में प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत सिंह, उप निरीक्षक आलोक कुमार, कांस्टेबल सखिन सिंह, राहुल कुमार दीपक चौधरी शामिल थे। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद सीतापुर में अवैध शराब के निष्कर्षण, परिवहन, बिक्री में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण, विक्रय, परिवहन के अपराध से संबंधित गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 15,000 रुपये के तीन इनामी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तगण करीब 2 माह से वांछित चल रहे थे, जिनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तीनों अभियुक्तों में से प्रत्येक पर 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। अभियुक्तों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर इसी प्रकार प्रचलित रहेगी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।